A particle moving in a straight line starting from rest has an acceleration a equal to 3t. Find the distance traveled by the particle in 3 seconds and velocity at this instant. देखिए यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है और क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, एक रिलेशन यहाँ दिया गया है a इक्वल टू 3t, राइट, a इक्वल टू 3t. तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे ये बात पता होता है कि एक्सीलरेशन dv बाय dt होता है इक्वल टू 3t. तो इसको मैं बोल सकता हूँ dv इज इक्वल टू 3t dt, राइट. दोनों को मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट. ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा जीरो से भी तक, और टाइम वाले को मैं कब से कहाँ तक करूँगा, मान लो जीरो से टी तक. ओके, जीरो से टी तक मैंने इसको कर दिया. अब देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा इक्वल टू थ्री, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, राइट, टी स्क्वायर बाई टू. इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है हमारा जीरो से टी इक्वल टू थ्री तक है, राइट. क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, है ना. तो टी इक्वल टू कितना, 3 सेकेंड पे. ओके, तो यहाँ से हमें निकलेगा 3t स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर बाई टू. ओके, तो ये हो जाएगा देखिए 9 9 3 27 बाई टू, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड. ओके, अब आगे देखिए, एक रिलेशन हमें ये मिला हुआ है, ठीक है, कि v इज इक्वल टू 3 बाई टू t स्क्वायर, है ना. तो वेलोसिटी भी मुझे पता है ds बाई dt होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो जाएगा 3 बाई टू t स्क्वायर, राइट, t स्क्वायर. तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ds इज इक्वल टू 3 बाई टू t स्क्वायर dt, करेक्ट. यहाँ से आगे आ जाएगा ds इज इक्वल टू 3 बाई टू, देखिए इसको इंटीग्रेट करूँगा ना मैं. ओके, तो ये इंटीग्रेशन का, अभी 3 बाई टू बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, ये हो जाएगा 3 बाई टू t स्क्वायर. को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या निकलता है, t³/3, ठीक है. तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और इधर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, s, ना. डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जीरो से s तक, सम s तक, तो इधर s आ जाएगा. अब इधर टाइम का, कितना बोला है, 0 टू 3, तो 0 टू 3 बोला था, तो इसका लिमिट क्या से क्या होगा, 0 टू 3. ये बन जाएगा 1 बाई टू t³, यानी कि 3³ माइनस 0, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 बाई टू 3³ का मतलब होता है 27, तो यहाँ से हमारा निकलेगा 27 बाई टू, ठीक है, 27 बाई टू मीटर. तो मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 27 बाई टू मीटर है, वेलोसिटी है 27 बाई टू मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन डी.